जिनवानी स्थित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में जारी श्रीराम कथा के पांचवें दिन धनुष भंग प्रसंग का श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे। सभी महाराज जी के द्वारा गाए गए भजनों पर झूम उठे। कथावाचक प्रेम भूषण महाराज ने कहा कि सनातन धर्म सत्य आचरण के समाज के निर्माण पर ही आधारित है। सत्कर्मों में रहने वाले व्यक्ति के लिए हर वस्तु सुलभ होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर राजा धर्मशील हो तो प्रकृति भी उसके प्रजा पालन में पूरा साथ देती है। अद्भुत आयोजन है। तुलसीदास जी तो कह के ही गए हैं कलिकाल के संदर्भ में केवल नाम आधारा, तो कलयुग में कुल मिला के राम नाम की महिमा है। सौभाग्य है हम सबका आई पी मिश्रा जी के प्रयासों से, जोड़े महाराज जी के आगमन से राम नाम के स्मरण का अवसर हम सबके जीवन में प्राप्त हुआ है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ इस आयोजन के लिए। उम्मीद करता हूँ ऐसे आयोजन का सिलसिला इस बात नगरी में आगे भी चलता रहे। रामचरित मानस राम कथा पूरे विश्व का निचोड़ है, अतुलनीय ग्रंथ है, और उस अतुलनीय ग्रंथ के एक एक शब्द को अगर हम इस जीवन में उतारें और इस घोर कलयुग में पूरा विश्व आश्चर्य करता है कि आज से हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्राम के जीवन में जो जो बातें घटी थी, जो सेवा संस्कार समर्पण, हनुमान जी जैसा भक्त, माता सबरी जैसी भक्त, के निषाद राज केवड़ जैसा भक्त, और एक तरफ माता सीता जैसी सती और दशरथ जैसा पिता और लक्ष्मण जैसे छोटे भाई, भरत जैसे राम, वो भी राम की तपस्या से भी ज़्यादा अगर किसी की तपस्या को गिना जाता है तो भरत की तपस्या को गिना जाता है। और ऐसे राम कथा का अमृत सुनने का अवसर प्रेम भूषण जी महाराज के माध्यम से आई पी मिश्रा जी ने यहाँ पर राम कथा का आयोजन किया था, और आज मैं पांचवें दिन उस राम कथा में शामिल हुआ। निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी के बाद में हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के मन में ये बात आई है कि मनुष्य जीवन नाशवान है। मनुष्य जीवन कितना कठिन जीवन है, मगर नाशवान जीवन है। इस कोरोना ने हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। कोरोना कार्यकाल के बाद में धर्म के प्रति और हिंदुस्तान के जितने धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है, चाहे वह अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे चारधाम की यात्रा हो, चाहे वैष्णो देवी जी हो, चाहे बम्बलेश्वरी हो, चाहे दंतेश्वरी माता हो, चारों तरफ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी ने हम लोगों को धर्म के प्रति और ज़्यादा जोड़ने का प्रयास किया है। वैसे भी हमारा हिंदुस्तान धर्ममय है, वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में हम 365 दिन 30 त्यौहार मनाते हैं, वैसे भी हम लाखों करोड़ों देवी देवताओं की पूजा करते हैं।